उसमें अंतर नहीं है। जहां तक सेवा भारती का प्रश्न है, हमारी प्रार्थना है अगर आपको उचित लगे ये किसी के स्वागत में नृत्य बंद कर दीजिए। मैं तो घर का आदमी हूं, इसलिए किसी के स्वागत में नृत्य बेटियों के द्वारा उपस्थित नहीं होना चाहिए। स्वागत गीत आप कर सकते हैं बाहर का कोई आए, घर वाले के लिए कहता स्वागत गीत। लेकिन चलिए, एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता होती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। सेवा भारती का सीधा सीधा अर्थ है, मेरी जाति मनुष्य है, मेरा धर्म मानवता है, मेरा देश अखिल विश्व है, मेरा शासक लॉर्ड कृष्णा है, प्रभु जगन्नाथ है, श्री राम। ये सेवा भारती का कुल मिलाकर संक्षेप में परिचय है। श्रीमती भगवत गीता को पढ़ने के बाद जी मरोदिया, दो श्लोक उसमें ऐसे हैं जो अर्जुन को समझाते हैं भगवान कृष्ण। श्री अविनाश जी, एक श्लोक है, संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया। श्री खजानचंद जी गोयल, ते प्राप्यन्ति मामैव सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता जो है क्या मतलब? सेवा भारती कंट्रोलिंग द सेंसेस इक्वी पोज्ड टू एवरीवन, इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए सब में मुझको जो देखता है वह मेरे पास आ जाता है। सर्वभूत हिते रता, जिसको सर्वे भवंतु सुखिना करके हमारे बिहारी लाल जी वंसल ने अभी जो वेदों से श्लोक निकाला, सर्वभूत हिते रता। एक श्लोक इसी का फिर सर्वभूत हिते रता का है, लभते ब्रह्म निर्वाणम रशये छीन कलमशा छिन्नई दोधो यतात्मा नाम सर्वभूत हिते रता। फ्री फ्रॉम दी ड्यूअलिटीज अरिजन फ्रॉम दी डार्कनेस डाउट्स, संदेह हो जाता है। जैसे रूस को संदेह हो गया कि यूक्रेन अलग से है, इसलिए युद्ध हो गया और पूरा विश्व युद्ध पर खड़ा हो गया। यूनाइटेड नेशंस जनरल काउंसिल में अभी अभी 93 वोट एक तरफ हैं और 82 एक तरफ हैं, यानी पूरा वर्ल्ड विभक्त हो गया। क्यों विभक्त हो गया? क्योंकि सेवा भारती वहां पर चलता नहीं। अगर सेवा भारती रूस में चल रहा होता तो पुतिन का दिमाग ठीक रहता। सेवा भारती अमेरिका में चलता नहीं है, इसलिए इन सब का दिमाग खराब हुआ हुआ है। इसलिए हम सब जगह बोलते हैं कि हमको कोई डराने की कोशिश मत कर। अमेरिका के आए, इंग्लैंड के आए, चाइना ने आक्रमण कर दिया तो फिर रूस साथ दे देगा? हम ही तो साथ देंगे। हमने कहा हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमको लॉर्ड कृष्ण का सुदर्शन चक्र प्राप्त है, हम सबका गला काटने में सक्षम। चाइना के राष्ट्रपति यहाँ आए, मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ ले गए मालूम है ना? धवन साहब बाहुबली में लेकर गए, कृष्ण का मक्खन खिलाया और अर्जुन का गांडीव भी दिखाया, दोनों दिखाया। मक्खन खाना है तो मक्खन खा ले और गांडीव खाना है तो गांडीव खा ले, तेरी मर्जी है। लेकिन आतंकवाद विश्व में हम नहीं रहने देंगे। सेवा जरूर करते हैं, मक्खन से की है सेवा, कोई कसर नहीं छोड़ी, झूले पर झुलाया है उसको। लेकिन विश्व के अंदर स्वाभाविक रूप से ये हम चाहते हैं, पूरे विश्व को हम चाहते हैं कि स्वर्ग और धरती पृथ्वी ये एक बन जाए। हमको भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा है तो क्या पृथ्वी का फर्ज नहीं है, उस पर रहने वालों का ये फर्ज नहीं है कि इस पृथ्वी को ईश्वर में बना दें? आप उस प्रयास में लगे हुए हैं, आप इस पृथ्वी को ईश्वर तत्व में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जितना प्रणाम किया जाए, जितने आपको अभिनंदन किया जाए, स्वागत किया जाए, कम पड़ता है। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लगता छोटा छोटा है, और ऐसा काम सब थोड़ा कर सकते हैं। ऐसा काम वही कर सकते हैं जैसे कहा गया वेदों के अंदर, सो हम, क्या मतलब? आई डोंट एग्जिस्ट, आई एम ए पार्टिकल ऑफ यूर्स, मैं हूं कहां, मैं तो तेरा अंश हूं। इसी को आजकल क्वांटम फिजिक्स जो चलता है उसमें इरामिन जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है इनको अगर आप उधेड़ना शुरू करेंगे तो आप वेदांतिक फिलॉसफी पर आ जाएंगे, वेदांत दर्शन पर आ जाएंगे, अद्वैत पाद पर आ जाएंगे, तत्वमसी 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 पर आ जाएंगे। तू ही है, तू ही है, तू ही है। कोई कोई 500 सालों में महर्षि रमन पैदा होता है,
कोई कोई 100 सालों में रामकृष्ण परमहंस पैदा होता है, कोई कोई श्री गुरु जी समान पैदा होता है, इतने लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हम सब जो उसके अंश हैं, अंश मात्र हैं, ये हमको ध्यान में रहता है। और ये सेवा भारती का काम करने वाले ऐसे ही लोग हैं। क्या ये एग्जिस्ट ओनली फॉर द डिवाइन? मेरा जो जन्म है जिसको हम ब्रह्मोस्मी कहते हैं, आई एग्जिस्ट बाई द एग्जिस्ट ओनली इन द सर्विस ऑफ द डिवाइन। मैं जीता हूँ इसलिए जीता हूँ कि भगवान कृष्ण के संदेश को, भगवान कृष्ण की बात को दुनिया के अंदर प्रचारित कर सकूं। आप ये सब काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सबको अच्छा लगता है, दुनिया में सबको अच्छा लगता है। एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम हम सुनते थे कि भाई हमारे तो यहाँ हर फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, हमारे तो यहाँ पर कोई स्टेट तो मालिक है नहीं, हमारे तो यहाँ पर हर घर का मालिक बड़ा भाई है, पिता है, फिर छोटा भाई, इसे करके सब चलता है। लेकिन ये ठीक है, अभी वेस्टर्न एजुकेशन के कारण हमको इकोनॉमिकल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, नेम, फेम, मनी, पावर, कंट्री, ह्यूमैनिटी, ये सब बातें हमको भी घेर के रखी हैं आजकल। पढ़ाई का जैसे लक्ष्य हो गया आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, काहे को बनना डॉक्टर, इसलिए बनना डॉक्टर, गांव में जाकर काम करना है, बिना पैसे टके काम करना है, तो बनिए डॉक्टर, सेवा करने के लिए बनिए। लेकिन सामान्यतः भारत में ये है, दुनिया में ऐसा नहीं है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय माननीय देश के प्रधानमंत्री जो रहे, भारत का परिचय 3 तरह से होता था, क्या? डॉक्टर इंडिया, पोखरण इंडिया, हाईटेक इंडिया। दुनिया के सब लोग, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, मैक्स में जाइए, अपोलो में जाइए, किसी में चले जाइए, 90% जितने मरीज हैं सब विदेशों से आए हुए हैं। क्यों? इतना सस्ता इलाज हमारे यहाँ हो जाता है कि 1 महीना भर सैर सपट्टा करके भी चले जाते हैं, पैसे भी बचा लेते हैं और इलाज भी ठीक से हो जाता है। क्यों? कारण क्या? सेवा भारती। कारण क्या है? सेवा भारती। सेवा भारती हमारे रग रग में है, रक्त में है, कण कण में है। ऐसे ही थोड़ी दधी जी अपनी हड्डियां दे दे इंद्र को, जो दुश्मन था, जो दुश्मन था, इंद्र तो दुश्मन रहा है दधी जी का, लेकिन फिर भी अपनी हड्डियां देने में संकोच नहीं करता है। ऐसा आप सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है। 4 बेटियां पहले आई थी, फिर एक बेटी ने गीत गाया, फिर एक का टीचर ने गीत गाया, 6 ही लोग आए उससे पहले भी, आपके आने से पहले प्रस्तुति आती है, 3-4। सबको 10-10 हजार रुपये अलग से और भेजेंगे, सबके नाम से अलग से 1 लाख रुपये और इधर भेजेंगे, ताकि सब बच्चियों को आप दे सकें। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैंने पहले कह दिया, आपके राज्य का बालक हूँ, इसी धरती का पुत्र हूँ, कोख और गोद बदली नहीं जा सकती है। वह स्वाभिमान के मैं इस कोख का हूँ, इस गोद का हूँ, उस स्वाभिमान को आपके आशीर्वाद से मैं उड़ीसा में बरकरार रखूँ, ऐसी आपसे आशीर्वाद मांगता हुआ आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। बिहारी लाल बंसल, जिला अध्यक्ष, सेवा भारती सिरसा। ये कार्यक्रम में हमारा जो फिजियोथेरेपी सेंटर खोलिया है उसका शुभारंभ उनके हाथों से हमने करवाया है, और इसी प्रकार से एक महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलिया है, वो भी उनके हाथ से उनका शुभारंभ किया गया है। मैं आज जो फिजियोथेरेपी सेंटर खोलिया गया है उसमें 30 रुपये में तकरीबन सारे बीमारियां हैं, चाहे वो गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, जो भी तकलीफें हैं वो सारी की सारी हम यहाँ एक छत के नीचे दे रहे हैं, और मात्र 30 रुपये उसका शुल्क रखा है, ताकि मिनिमम रखा है, कोई दिक्कत ना आए उसको। हाँ, ऐसे ही हमने जो सिलाई केंद्र खोल लिया है बहनों का, उसका हमने 50 रुपये रखा है महीने का, वो तो 30 रुपये रोज का था, वो महीने का 50 रुपये। हाँ, ये माता सुशीला देवी अपने जो उनके सुपुत्र है मुनि सिंगला जी, उनके ही सहयोग से, मेजर सहयोग उनका ही है, उनके सहयोग से ही ये हम ये शुरू कर पाए हैं, कि सेवा भारती तो समाज से पैसा इकट्ठा करती है, तो हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम ये इतना महंगा कॉस्टली इलाज शुरू कर सकें, ठीक है ना जी। तो ये सारा उनकी ही देन है, उनकी ही वजह से हम ये कामयाब हुए हैं इसके लिए।